हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रूबी शेरफ व्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और इंदरलोक थर्सडे मार्केट का ही पार्ट, जिसने भी मेरे पुराने जो मैंने इंदरलोक के वीडियोस डाले हैं कल परसों, जिन्होंने नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ अपडेटेड हैं। मैंने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके एक क्लिक से देख सकते हैं। मार्केट में आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इंदरलोक का है, गेट नंबर 5 से एग्जिट कीजिए और इस मार्केट का लुफ्त उठाइए। बहुत ही दिल्ली की सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बेस्ट ब्रांडेड कलेक्शन के लिए, मतलब हर चीज़ में मुझे तो ये मार्केट परफेक्ट लगती है। ये मार्केट थर्सडे वाले दिन ही लगती है और यहाँ पर फिलहाल कुछ टाइम से एमसीडी की इश्यूज़ की वजह से पटरी मार्केट नहीं लग रही थी। आई थिंक 26 जनवरी तक थोड़ा सा और इशू रह सकता है, लेकिन फॉर अ चेंज इस बार पटरी मार्केट लगी थी, टाइमली लग गई थी और बहुत अच्छे से लोगों ने शॉपिंग भी की थी। और हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी मकर संक्रांति अगेन, क्योंकि आज भी इंडिया में काफ़ी जगह पे संक्रांत मनाई जा रही है और पोंगल तो है ही आज, तो एंड हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं ये आज का व्लॉग। ये मैं फर्स्ट, आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना, उससे मैंने एक ब्रांडेड बैग्स वाले भैया दिखाए थे, ठीक है, और वो मैंने किस गली में दिखाए थे, मैं बिल्कुल उसी लेन में चल रही हूँ अभी, और वहाँ पर मैं आपको एक और ब्रांडेड जो लोअर्स की शॉप है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर मेंस वियर थे ये वाले जो लोअर दिखा रही हूँ, गर्ल्स भी पहन सकती हैं चाहे तो, पर ये थे मेंस के। ब्रांड नेम आप देख चुके हैं, सारे 450 के उसमें थे और ये जितने अभी ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे गर्ल्स के हैं। आई नो थोड़ा रेट मुझे भी इनका थोड़ा ज़्यादा लगा था इंदरलोक मार्केट के हिसाब से, लेकिन जो था वो मैं आपको मेंशन करके बता रही हूँ। क्वालिटी वाइज सब फ्रेश थे, नए थे और इसमें भी कुछ ब्रांडेड पीस थे, सारे नहीं थे कुछ थे, बट लोअर जो थे वो सारे आपको ब्रांडेड मिलेंगे। उसी सेम शॉप का ये मैं गर्ल्स का कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये सारे कार्डिगन्स हैं, ठीक है, सारे ऑलमोस्ट सेम सेम डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम था, बस कलर्स इसमें अलग था और ये सारे कार्डिगन थे। रेट मेंशन है सबका, इसमें डिज़ाइन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे। इसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग, ऐसे इस टाइप के लॉन्ग भी आपको कार्डिगन्स मिल जाएंगे जो मतलब हिप क्रॉस कर जाएंगे, नी लेंथ तक के तो नहीं होंगे बट आपके हिप्स वगैरह से नीचे होंगे। कुछ कार्डिगन है और कुछ ऐसे कोट स्टाइल में भी इनके पास मिल जाएंगे। इनका रेट थोड़ा सबका डिफरेंट था तो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया इनका रेट। इनके किसी का कोई 300 का था, 350 का था, इस तरह से थे ये, और जो कार्डिगन थे वो 200-300 के आसपास थे। शॉप से बाहर आई, नेक्स्ट जो शॉप है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको हमारे चुनमुन्स के कलेक्शंस मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा रेट था और बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे ये स्वेटर्स थे। इसमें मतलब राउंड नेक स्वेटर्स भी थे, हुडी थी, जिपर थे और स्वेट शर्ट्स जो होती हैं राउंड नेक वो भी थी, तो मिक्स एंड मैच कलेक्शन था, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का मिल जाएगा। और यहाँ पर 6 मंथ से लेके 12 या 13 ईयर्स ओल्ड तक के बच्चों का मिलेगा। मेरे प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है, मैं लिंक डाल रही हूँ, उसमें भी मैंने बच्चों का बहुत अच्छा कलेक्शन दिखाया है और मेंस वियर का भी, तो इसलिए अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा कलेक्शन मैंने उसमें भी दिखाया और ब्रांडेड कलेक्शन दिखाया है, मेनली ब्रांडेड और बेस्ट और रेट वाइज एकदम बजट फ्रेंडली जिसे कहते हैं। ये पूरी ड्रेस जो थी ना अभी मैंने बच्चों की दिखाई, ये 250 की थी उसी शॉप के बिल्कुल मैं, अच्छा लेन सेम चल रही है वो अभी, ठीक है, उसी लेन की मैं ये 1 बाय 1 आपको शॉप्स दिखा रही हूँ। मैं उसी शॉप के अपोजिट ये गर्ल्स की मिल रही थी, गर्ल्स आई मीन हमारी जैसी गर्ल्स, बड़ी गर्ल्स के लिए, ठीक है, उन लोगों की ये मिल रही थी जीन्स 200 की। ये देखिए ये डंगरी स्टाइल में थी, ये भी आपको 200 की मिल जाएंगी। ये भी सब न्यू थी, कोई भी सेकंड पीस नहीं था। लेन से मैं एग्जिट कर चुकी हूँ और मैं कहाँ आ गई हूँ, डिस्पेंसरी वाली रोड पर, आई मीन जहाँ पर ग्रीन मस्जिद का बैक साइड है और डिस्पेंसरी की फ्रंट है, उस वाली लेन में हूँ मैं। और वहाँ पर ये 100 रुपीज़ के गर्ल्स के टॉप मिल रहे थे, इसमें डबल एक्सल तक के साइज थे स्मॉल से लेके, और सब 100 के थे और देखिए सब अच्छे पीसेस हैं, कोई भी यूज्ड नहीं था, बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन लगा। हमेशा की तरह मैं बस वीडियो बनाने में रह जाती हूँ और मैं ख़रीद नहीं पाती हूँ। ये भैया मैं आ गई हूँ इलाही स्टेशनरी वाली शॉप पे, डिस्पेंसरी के जहाँ पे वो मस्जिद के अपोजिट जहाँ पे भैया लगाते हैं, आगे मैं इनकी वो भी दिखा दूँगी। इलाही स्टेशनरी करके है ये शॉप, 2 शॉप्स हैं ये एक साथ। ये भैया मेरठ से आते हैं और इनके सूटों का कलेक्शन बहुत ही औसम रहता है भाई। ये रूटो कह रही हूँ मैं, फंबल कर रही हूँ मैं, इन सूटों के जो रेट्स होते हैं ना, रहते 450 से लेके 550 के आसपास हैं, बार्गिन करते हैं भैया, लेकिन क्वालिटी वाइज ऐसे होते हैं ना कि आपका आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हो।
यही सूट 10 से 15 हजार के आपको चांदनी चौक में मिलेंगे। मैं मॉल्स और ब्रांड, मतलब मॉल्स या ब्रांड की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, चांदनी चौक में भी आपको ये इतने महंगे मिलेंगे जो भैया 450 के रखते हैं। भैया ऐसे जो अनस्टिच सूट्स हैं ये भी रखते हैं 350 के। देखिए इलाही स्टेशनरी है इनकी शॉप का नाम, ये दो भैया हैं, दोनों मेरठ से आते हैं, अलग अलग अपनी शॉप्स लगाते हैं। जो दूसरे साइड वाले भैया हैं उन्होंने भी ऐसे सूट्स का कलेक्शन डाला हुआ था, ये भी 350 के हैं, सारे अनस्टिच हैं। इसमें कुर्ता पैंट एंड दुपट्टे का पीस था इस तरह के। देखिए वो, देखिए उस साइड वाले भैया हैं, ये दूसरे साइड वाले भैया हैं। इनके पास शॉल भी बहुत अच्छे होते हैं, 400-500 की रेंज में होते हैं, लेकिन जो कश्मीरी कढ़ाई वाले शॉल होते हैं ना वो वाली क्वालिटी रखते हैं। मतलब आओ तो इनकी शॉप जरूर चेकआउट करना, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉप ऑफ इंदरलोक है, तो मैं इसलिए वो मैंने कवर की, मुझे पर्सनली पसंद है। बाकी सब अपने अपने भाई, देखो बजट के हिसाब से शॉपिंग करना, जिसका जैसा बजट है। मैं सारे बजट्स वाली शॉपिंग्स दिखाती हूँ, जिसका ज़्यादा है उनको ज़्यादा वाले में दिखाती हूँ, जिसको कम है कम में भी बहुत अच्छा आइटम्स मिलते हैं। तो इसलिए मैं इसलिए सभी शॉप्स को कवर करना पसंद करती हूँ। ये जो शॉप थी इस पे सारे सूट बिल्कुल डिस्पेंसरी के अपोजिट थे, सारे सूट 350 की रेंज में रहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भैया 350 की ही वो कहते हैं ना सेल चला रखी है, उसके साइड में है ये भैया। रैंडम किसी हर हफ्ते ना कुछ एंटी की पीस उठा के लेकर आते हैं। इस बार ऐसे टॉप लेकर आए हुए थे 100-100 रुपीज़ के। ये बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं है, मतलब फेब मार्च में पहनने वाले, फेब में पहनने वाले टाइप के वो टॉप्स लेकर आए हुए थे। और एक ये लेकर आए हुए थे इस टाइप के वन पीसेस ड्रेस, ये 200-300 की रेंज में था। भाई एक ये जैकेट देखो अच्छी है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, इस रेंज में इस रेट के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी। ये बॉयज़ के हैं, इस बार बॉयज़ के बड़े मज़े थे, बहुत अच्छा कलेक्शन था बॉयज़ का इंदरलोक में, मतलब देख के भी मज़ा आ गया। नहीं तो थोड़े से बेचारों के ना कपड़ों की कमी सी फील होती रहती है मुझे, तो इस बार बहुत अच्छे था कलेक्शन। ये देखिए जैकेट्स मिल रही हैं, सेम रेट पे जैकेट्स हैं, और ये जो टेबल पे लगा रखे थे ना भैया ने उसी रेट पे ये जैकेट्स हैं, बहुत ही मतलब गजब। ये देखिए कि ये जैकेट है, ये भी बॉयज़ की है, इस रेट में, इसमें फ़र वाली जैकेट है। क्या मिलता है भाई, सच में नहीं कुछ मिलता है। और अगर क्वालिटी वाइज देखी जाए तो A1 रहती है यहाँ की क्वालिटी। आप आँख बंद करके एक बार, जो नहीं आए हैं ना इंद्रलोक में और जो आए भी हैं सबको पता है कि ये मार्केट कैसी है, और जो नहीं आए प्लीज कम एक बार, कुछ नहीं जाता, अभी तो सर्दियां हैं गर्मी है नहीं कोई, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आके चेकआउट कीजिए खुद, बस घूमिए आप एक बार, शॉपिंग मत कीजिए, विंडो शॉपिंग कीजिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसी मार्केट है। और आप चाहो ना चाहो आप शॉपिंग किए बिना मतलब रह नहीं सकते उस मार्केट में अगर आप आओगे, ये मतलब उस टाइप की मार्केट है। यहाँ पे ये लेडीज के वो मिल रहे थे स्वेटर्स, और ये है सारे सूट, ये वन पीस सूट थे, मतलब सूट कह रही हूँ कुर्ती कहेंगे, इसमें पेंट नहीं है, सिर्फ कुर्ती कुर्तीज थी ये सारी। और रेट सबका डिफरेंट डिफरेंट था, जो मैंने ये स्वेटशर्ट दिखाए वो 250 के थे, ये 300 की थी, ये मैं 250 वाले दिखा रही हूँ। इधर लोअर भी मिल जाएंगे आपको, लोअर का 250 अलग है और अपर का 250 अलग है, मतलब 500 का पूरा सेट लेके जा सकते हो, और ब्रांडेड है वो भी। ये ना मैंने लास्ट प्रीवियस मतलब मेरे पिछले हफ्ते के वीडियोस में मैंने एक स्पोर्ट्स ब्रा का कलेक्शन दिखाया था, उन भैया की ये शॉप है, ये भैया लगा रहे थे तब ये। और एक मैंने एक और भैया जो ब्रांडेड वो लेकर आते हैं ब्रास, आसपास ही हैं दोनों, डिस्पेंसरी के सामने ही लगाते हैं साइड में और जन्नत क्लब कलेक्शन के अपोजिट, तो ये दोनों ही सेम ब्रांड की ब्रास रखते हैं और क्वालिटी वाइज दोनों की अच्छी है, तो आप उनसे लीजिए इनसे लीजिए एक ही बात है। रेट भी सबके सेम रहते हैं, 150 के आसपास ही रखते हैं। ये ना आमना कलेक्शन के वहाँ पे एक एडी ज्वेलरी वाले भैया बैठते हैं, ये मैं ब्रेसलेट्स दिखा रही हूँ, देखिए कितने प्यारे हैं और ये एडजस्टेबल हैं, पता है ये देखिए ये एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, अपनी जो रिस्ट है आपकी उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे इयरिंग्स है, ये जितने दिखा रही हूँ ये सब 100 रुपीज़ के भैया ने बताए थे, जो बताया था मैं वही रेट बता रही हूँ। ये चेन्स हैं, ये भी आपको 100 रुपीज़ की ही मिलेगी, इसमें इयरिंग्स नहीं थे, इयरिंग्स अगर आप अलग से लेंगे तो उसका रेट अलग है। देखिए मंगलसूत्र थे यहाँ पे, अच्छा रिंग्स के डिफरेंट रेट थे, 50 से शुरू होकर और आगे बढ़ रहे थे, तो इसलिए भैया ने ठीक से वो नहीं किया था, और भैया उस वक्त लगा रहे थे अपनी टेबल, ये देखो सेट सेट करने में लगे हुए हैं। डिस्प्ले कितना अच्छे से किया हुआ है ना भैया ने ये सारा। आमना कलेक्शन छोड़कर अब मैं आ गई हूँ शू मार्केट की तरफ, ठीक है। ये सारे ब्रांडेड हैं शूज़, और इनके सोल देख के आप बता सकते हो कि सारे नए हैं। शू मार्केट जिसे ना पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन्हें ठीक से लोकेशन समझा दूंगी। लेकिन अगर आपको जो आए हुए हैं इस मार्केट में उन्हें पता होगा कि सबा नर्सिंग होम से जब हम सीधा चलते हैं ना तो ब्लू साइड में लेफ्ट राइट साइड में ब्लू कलर का ट्रांसफॉर्मर है, उसे क्रॉस करते हुए आप आगे बढ़िए और टी पॉइंट आ जाता है, ठीक
ठीक है, सामने टी पॉइंट ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, टी पॉइंट आएगा, वो पूरी शू मार्केट है, उसमें आप राइट लेफ्ट इधर उधर जहां से मन करे आप खरीद सकते हैं। ये जो मैं रेट दिखा रही हूँ और ये जो शूज दिखा रही हूँ, आपको हर जगह मिल जाएंगे ये शूज। थोड़ा खुद सर्च करिए, आपको मन है जिस शॉप से मन है उससे लीजिए। इनकी मुझे क्वालिटी और वो अच्छे लग रहे थे रेट, तो इसलिए मैंने ये कवर किए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आप यहीं से ही लीजिए, बच्चों के देखिए, रेट देखिए, और मतलब मैं तो कहूँ अगले साल के लिए भी एडवांस में खरीद के रख लो, क्योंकि बच्चों के पैर तो बढ़ ही जाते हैं भाई, बढ़ते बच्चों के, तो एडवांस में खरीद के रख लो, क्योंकि जब विंटर शुरू होती है ना तो यही शूज़ आपको 250-300 रुपये के मिलते हैं, और अभी मिड ऑफ द विंटर्स हैं, ऑलमोस्ट अब बस ख़त्म ही हो जाएगी और 1 हफ्ते में, दिल्ली की तो सर्दियाँ, तो सेल चलनी शुरू हो जाती है, और सेल देखा जाए चलनी क्या चल पड़ी है, 100-100 रुपये में शूज़ मिल रहे हैं, बहुत ही, मतलब जो मम्मीज है ना वो जानती हैं कि क्या रेट है आजकल शूज़ का, और ऐसे शूज़ का रेट्स ना 300 रुपये से कम नहीं मिलता है, नॉर्मल नॉर्मल की जो पटरी मार्केट लगती है ना नियरेस्ट हमारे घर के आसपास, वो भी 250 रुपये करेंगे सेल में, वो भी बहुत चिक चिक करने के बाद, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ के मिल जाते हैं। ब्रांड के नाम आप पढ़ सकते हो सब पे, सारे ब्रांड्स के नाम है मेरे, इसको वीडियो को ना पॉज करके एक बार चेक कर लीजिएगा, सारे ब्रांड्स के नाम इतने सारे हैं ये, और रेट और अपने बजट के हिसाब से प्लीज लीजिएगा, जिसका जैसा बजट है वो लीजिए। मैं सारे दिखा रही हूँ, इससे पहले जो मैंने गर्ल्स के दिखाए थे 250 के, वो एक्चुअल रेट उनका जो मार्केट रेट है उस पर मेंशन था, वो 700 था जो 250 का मैं दिखा रही थी। ये भी सारे ब्रांडेड हैं, और ये बिल्कुल जहाँ टी पॉइंट है ना मैं वहां पर दिखा रही हूँ, ये जो शू मार्केट का टी पॉइंट है, और कुछ बेसिक लैंडमार्क है इस मार्केट के जो मैं बोलती रहती हूँ, ये हमेशा आप शॉप जब भी इंदर लोग आएंगे ना, ये फेमस वो है, सभा नर्सिंग होम, ब्लू कलर का ट्रांसफार्मर, कूड़ा घर, जन्नत कलेक्शन, डिस्पेंसरी और ग्रीन मस्जिद, ये बहुत फेमस लैंडमार्क है। इसके आसपास आप मतलब मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे ये लैंडमार्क्स नहीं पता है, अपने आप आपको उस शॉप तक पहुंचा देगा, इसलिए मैं सिर्फ ये मेन फेमस वो बताती हूँ आपको लैंडमार्क। और एक गली नंबर 6, ये तो बहुत ही फेमस गली है हमारी इंदरलोक की, इंदरलोक हमारा ही हो गया ना, इसलिए मैं हमारा लगा के चल रही हूँ। यहाँ पे ये भैया बहुत ही अच्छे स्टॉल देते हैं, इनके हमेशा हर हफ्ते कलेक्शन नया आता है, और ये इस बार एक बार प्लेन लेकर आए थे वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे, इस बार देखिए चेक में भी हैं, स्ट्रिप्स में भी हैं, फ्लावर प्रिंट में भी, और सब 50 रुपीज़ के थे सारे के सारे। टी पॉइंट पे ही खड़े होते हैं ये भैया भी। यहाँ पर ये जैकेट्स मिल रही हैं गर्ल्स का बोल लीजिए या बॉयज़ की, मुझे ज़्यादातर गर्ल्स लगी थी, हालांकि बॉयज़ भी पहन सकते हैं, जिसमें फ़र नहीं है वो बॉयज़ पहन सकते हैं। रेट मेंशन है सबका। हाँ मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि इंदरलोक मार्केट के हिसाब से थोड़ा रेट ज़्यादा है, बट क्वालिटी अच्छी थी, तो मैं जैसे बता रही हूँ ना, मैं हर किसी अपने व्यूअर्स की पसंद के हिसाब से रखती हूँ, ज़रूरी नहीं है हर किसी को बहुत सस्ता ही खरीदना पसंद करे, हर तरह के लोग होते हैं, तो इसलिए मैं हर तरह की पसंद के वीडियोस बनाती हूँ ताकि सबको रहे। अब ये देखिए, इस पे पॉज कीजिएगा और इसका रेट देखिएगा, 1600 कुछ था समथिंग, और ये उस रेट के हिसाब से आपको ये 450 की मिल रही है, तो वेरी गुड डील मैं तो ये कहूँगी, तो ऑब्वियस ही बात है। और ब्रांड प्लीज़ पढ़ लीजिएगा कौन सा ब्रांड है ये। उससे मैं आगे चल रही हूँ, मेरे पिछले हफ्ते की वीडियो में भी मैंने इन भैया की शॉप दिखाई थी, एक मेरी सब्सक्राइबर ने इनका ना लैंडमार्क भी मुझसे पूछा था, सॉरी मैं मैम नाम भूल गई हूँ आपका, कि इन्होंने पूछा था, ये 250 की कुर्तीज़ रहती है, बहुत ज़्यादा वॉर्म होती है, मतलब इनकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी होती है, ये मॉडर्न टेलर करके एक फेमस शॉप है वहाँ पे, उसके अपोजिट लगाते हैं भैया, बेहतरीन कुर्तीज़ रखते हैं, अनस्टिच होती हैं, सिर्फ कुर्ती रहती है, लोअर इनके स्टिच्ड होते हैं, वो अलग से आपको लेने पड़ते हैं। वहाँ से ना लेफ्ट साइड में शू मार्केट के, वहाँ से लेफ्ट साइड में अगर आप टर्न करते हैं ना, तो झूले वाले पार्क की तरफ ना एक लेन जा रही होती है, आगे झूले वाला पार्क में मिल जाती है वो, उस लेन में मैं हूँ, और वहां पर ये देखिए 650 के पूरी ड्रेस मिल रही थी ये जितने जब से दिखा रही हूँ ना मैं, ये इसमें गाउन है, ये लहंगा है, देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, 650 में भाई साहब वो भी नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, कपड़ा नहीं मिलता अगर आप पूरा फैब्रिक लेने जाएंगे तो। ये सलीम बावर्ची वाली शॉप है, ये सबको पता है इस शॉप का, बिल्कुल देखिए उसके साइड में लगाते हैं, और आप इनके वो क्वालिटी देखिए, इनके पास गाउन है, शरारा भी रखते हैं भैया, और जो नायरा कट सूट है वो भी रखते हैं, सारे मतलब मिक्स एंड मैच वेराइटीज़ रखते हैं, और अच्छी क्वालिटी रहती है। 650 के हिसाब से जिसे ग्रीन मार्केट नहीं जाना है वो यहाँ से भी ले सकता है, अपनी शॉपिंग कर सकता है अगर मन करे तो। आई हो तो एक बार चेक कर लेना क्या हर्ज है, सलीम बावर्ची वाली लेन बहुत फेमस है यहाँ पे, उसी लेन में हूँ मैं, ये बच्चों के मैं दिखा रही हूँ सारे,
ये मैं ये मुझे ब्रांड का पता नहीं है कौन सी ब्रांड है, आपको पता है तो इसलिए मैंने थोड़ा इसे जूम करके दिखा रही हूँ, बट क्वालिटी अच्छी थी। देखिए कितनी प्यारी जैकेट है इस रेट में, तो मिलती कहाँ है। चलिए इसी के साथ फिर मैं अपना आज के वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।